मैं हूँ आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम हर रोज बात करते हैं न्यूज़पेपर की बड़ी खबरों से लेकर छोटी खबरों की, हर एक खबर आप तक पहुंचाता है एबी स्टार हर रोज। आज भी हम शुरुआत करेंगे दैनिक जागरण के कोरोना मीटर से, बात कर लेते हैं पहले आंकड़ों की, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त क्या स्थिति है, क्या स्थिति हमारे देश में, बाकी के देशों में क्या स्थिति, ये जानना जरूरी है। तो अभी दुनिया भर के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो ये आंकड़े 56,37,803 हो चुके हैं कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। ये मौत के आंकड़ों की बात की जाए 3,49,307 लोगों की मौत हो चुकी है, 24,05,072 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कुल एक्टिव केस कितने हैं दुनिया भर के, यानी कि इस वक्त कितने संक्रमित मरीज सक्रिय हैं, तो वो आंकड़ा है 28,83,422। तो ये आंकड़ा जो सक्रिय केस है उनका है। और वहीं बात कर लेंगे अब अमेरिका की, चूँकि अमेरिका में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आंकड़े कंट्रोल में आ रहे हैं, स्थिति काबू में आ रही है, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आंकड़े वहाँ भी बढ़ रहे हैं। 17,13,245 लोग संक्रमित हैं अमेरिका में, मौत के आंकड़े 1,00,000 पार कर चुके हैं, 1,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ पर, और जो स्वस्थ हुए लोग हैं 4,68,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिवेट केसेस की बात की जाए तो 11,44,000 लोग वहाँ पर सक्रिय हैं कोरोना संक्रमित केस। अमेरिका में जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है, लेकिन देखने वाली बात है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि स्थिति हम काबू में ला रहे हैं तो शायद हो सकता है वो स्थिति काबू में आ रही हो। लेकिन अब भारत की अगर बात कर ली जाए तो भारत में दिन ब दिन ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले 2,000-3,000 करके 24 घंटे में मामले आ रहे थे, लेकिन अब 6,000-7,000-8,000 इस तरीके से गिनती बढ़ती ही जा रही है, आए दिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो ये आंकड़ा 7,600-7,000 के बीच में ये आंकड़ा बढ़ा है। और अब बात कर लें अगर भारत में क्या स्थिति है, कितने लोग संक्रमित है, तो भारत में ये आंकड़ा 1,46,420 है। कुल संक्रमित भारत में 1,46,420 हैं। मौत के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा है 4,241। हालांकि 61,379 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जितना आंकड़ा बढ़ रहा है उतने लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि क्या भविष्य में ये आंकड़ा हम कम कर पाएंगे, जिस तरीके से ये आंकड़े ने तेज़ी पकड़ी है, रफ्तार बढ़ा ली अपनी, इस रफ्तार को किस तरीके से सरकार कम करती है और जनता की कोशिशें इसमें कितना रंग लाती हैं। बात कर लेते हैं एक्टिवेट केसेस की, 4,46,000 तो संक्रमित हैं ही, इसमें एक्टिवेट केसेस हैं वो उनकी संख्या बता दें आपको तो 80,800 लोग एक्टिवेट हैं, यानी कि सक्रिय हैं, और ये केसेस, इन केसेस पे अभी भी काम चल रहा है, यानी कि मरीजों का इलाज चल रहा है। तो राज्य के अनुसार अगर बात कर ली जाए तो ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली, जहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संक्रमित हैं। वहीं आपको बता दें महाराष्ट्र में आंकड़ा 54,475 है। तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली, ये राज्य महाराष्ट्र के बाद है, लेकिन हालांकि राज्यों में कम आंकड़ा है महाराष्ट्र, लेकिन ये चार राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इन चार राज्यों ने सरकार की चिंता कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी है। खबरों की अगर बात कर लें अब तो चीन को हिमाकत का मिलेगा करारा जवाब, सीमा पर तनाव। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख के हालात पर शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ अहम बैठक की। तो अहम बैठक ही है जो सीमा पर तनाव चल रहा है। दिन हम जो खबरें सुन रहे हैं, जो सामने तस्वीरें आ रही हैं कि सीमा पर चीनी सैनिक कुछ तनाव बढ़ा रहे हैं, तनातनी हो रही है आए दिन चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों में, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख के हालात पर शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ की अहम बैठक। तो इस बैठक के बाद करारा जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय सेना। बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो HCQ का ट्रायल जारी रखेगा भारत, यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में जो खबर आई थी कि उसके ट्रायल पर अस्थाई रोक लगा दी गई है, लेकिन वहीं WHO की तरफ से अगर आपको बताएं तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार HCQ यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पे अस्थाई रूप से रोक लगा देनी चाहिए थी, लेकिन अब आपको बता दें ICMR का दावा सुरक्षित है मलेरिया की दवा,
पीढ़ियों से खा रहे हैं लोग। तो भारत इस पर ट्रायल जारी रखेगा। हालांकि SCQ का जो इस्तेमाल है WHO के अनुसार कह रहे हैं कि हानिकारक है, लेकिन भारत में साफ कहा जा रहा है कि ट्रायल जारी रखा जाएगा। सभी तरीके की जो सुविधाएं हैं सुरक्षा के नज़रिए से सब कुछ देखा जाएगा, लेकिन ट्रायल अभी जारी रहेगा। वहीं भीषण गर्मी और लू की चपेट में उत्तर भारत, पारा 50 के पार। बात कर लेते हैं गर्मी की, तो अब पिछले कुछ दिनों से तापमान कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, जिसकी वजह से सरकार भी चिंता जता रही है। अलर्ट भी जारी किया गया है कई राज्यों में, क्योंकि अब तापमान 50 के पार जा चुका है। तो कई लोगों को हिदायतें दी गई हैं, क्योंकि जो लोग बाहर निकलते हैं या काम पर जा रहे हैं उनको हिदायतें दी गई हैं कि अगर बाहर निकल रहे हैं तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो कोरोना को तो लेकर बिगड़ चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ अब जो गर्मी की मार है वो भी हमें झेलनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली के करीब पहुंचा टिड्डी दल। वही कई राज्यों में टिड्डी दल जो है उन्होंने किसानों की नाक में दम कर रखा है। इस तरीके की कई खबरें सामने आई थी, हरियाणा हो, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर टिड्डी दल का आतंक देखा गया। तो अब दिल्ली के करीब पहुंचा ये टिड्डी दल, कई राज्यों में हाई अलर्ट। सीमावर्ती राज्यों से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बनी समस्या। टिड्डी उन्मूलन में अफगानिस्तान और ईरान की मदद करेगा भारत। तो टिड्डी दल ने भारत में जो स्थिति पैदा कर दी है उसको लेकर सरकार भी चिंतित है, क्योंकि कई राज्यों में इन टिड्डी दल की वजह से काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। वहीं NCR में आवागमन की दिक्कतों पर केंद्र साफ करे रुख, गाजिया सीमा सील होने से लगा 2 किलोमीटर लंबा जाम। तो NCR में आवागमन की दिक्कतों पर केंद्र साफ करे रुख, यानी कि जो अभी कुछ दिनों पहले सीमाएं सील की गई थी, गाजियाबाद और दिल्ली की सीमाएं अगर बता दें तो सील कर दी गई थी। गाजियाबाद DM के साफ कहा था कि ये सीमाएं सील रहेंगी, जिसके बाद लंबा जाम देखने को मिला है, लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइनें देखने को मिली हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की, तो फ्रंट पेज पर जो हम खबरों की बात करते हैं बड़ी खबरें, बात कर लेंगे अगर अगली खबर की, तो बिना टाइम टेबल पटरी पर दौड़ा दी ट्रेनें, रूट भी तय करना भूल गए अफसर। रेल मंत्री ने कहा भटकी नहीं कोई श्रमिक स्पेशल ट्रेन। तो जिस तरीके से बिना टाइम टेबल के पटरी पर ट्रेनें दौड़ा दी गई, रेल विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसको देखते हुए आगे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन लापरवाही की हद बेपरवाही ने रास्ते से भटकाई दर्जनों ट्रेनें, यात्रियों को मुसीबत में डाला। स्पीड घटते ही बेपटरी हुए हालात। जिस तरीके से बिना टाइम टेबल के ट्रेन दौड़ती हुई नजर आई हैं, इसको लेकर चिंता जताई गई है, लेकिन क्या आगे डिसीजन लिया जाता है वो देखने वाली बात है। बात कर लेते हैं अब अगले पेज की खबर की, तो अगले पेज की खबर की बात करें तो ऑक्सीजन युक्त बेड भी सुनिश्चित करें, बैजल समीक्षा। उपराज्यपाल ने बेड की उपलब्धता की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए दिए निर्देश। तो ऑक्सीजन युक्त बेड भी सुनिश्चित किए जाएंगे, ऐसे रिक्वेस्ट भी आए हैं। और कंटेनमेंट जोन की कठोर निगरानी हो, जिससे संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके। तो अभी भी जो कंटेनमेंट जोन है उनकी कड़ी निगरानी की जाएगी, ताकि जो संक्रमितों की संख्या है वो कम हो सके और इस संक्रमण को रोका जा सके। सीमाएं सील होने से 2 किलोमीटर तक रहा जाम, गाजियाबाद की कुछ तस्वीरें हैं जहां सीमाएं सील होने की वजह से 2 किलोमीटर लंबी लाइनें दिखी हैं। जो 2 किलोमीटर लंबा जाम दिखाए, गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं, उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या झेलने को पड़ी। वहीं कामगारों के लिए मुफ्त रेल यात्रा की है व्यवस्था, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का कहना। बात करेंगे आप अगले पेज की, तो लॉकडाउन फेल, कोरोना पर बी बताए, प्लान बी बताए सरकार। राहुल गांधी का कहना है कि कोरोना के लिए लॉकडाउन फेल है, तो अब प्लान बी सामने लेकर आए। करारा प्रहार, बोले 50% आबादी के खाते में सरकार 6 माह
75,000 रुपए डाले हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस आए दिन पलटवार कर रही है, हमला बोल रही है सरकार पर, देखने वाली बात है कि क्या वाकई में लॉकडाउन फेल हो चुका है। क्योंकि जब शुरुआत लॉकडाउन की हुई थी तो WHO के साथ साथ कई अन्य देशों ने भी कहा था कि भारत में लॉकडाउन जारी रख के काफ़ी अच्छा काम किया गया, क्योंकि आंकड़े और ज़्यादा बढ़ सकते थे। लेकिन अगर भारत के अंदर की ही बात कर ली जाए तो कई विपक्षी दल ऐसे हैं कि लॉकडाउन फेल हो चुका है, ऐसा उनका कहना है, ऐसा मानना भी है उनका। तो क्या वाकई में ये लॉकडाउन फेल हो चुका है? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वेतन मामले में केंद्र से मांगा जवाब। शीर्ष अदालत ने कहा कि तत्काल ध्यान दे सरकार, बहुत लोग हैं प्रभावित। तो इस तरीके से मामले पर तत्काल ध्यान देने को कहा है शीर्ष अदालत ने। वहीं लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के आदेश को दी गई है चुनौती। तो इस पर ध्यान देने के लिए कहा गया, क्योंकि काफ़ी लोग प्रभावित हैं इस फैसले से, और मजदूरों के खाने पीने परिवहन की मुफ्त व्यवस्था भी की जाएगी। तो उस तरीके की व्यवस्थाएं की जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वेतन मामले पर केंद्र से जवाब मांगा है, केंद्र भी उसकी तैयारी कर रहा है। बात कर लेते हैं अब अगले पेज की। महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड 97 लोगों की मौत, नए मामले हुए कम। तो महाराष्ट्र से एक छोटी ही सही लेकिन राहत भरी खबर कि मामले, जो नए मामले आने की रफ्तार थी वो थोड़ी सी थमती हुई नजर आ रही है। मामले थोड़े कम हुए हैं लेकिन एक दिन में 97 लोगों की मौत भी हुई है। प्रवासियों के लौटने से बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में बड़े संक्रमण, जो प्रवासी वापस लौट रहे हैं उनको देखते हुए भी काफ़ी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए इसीलिए रोका गया था, क्योंकि जब संक्रमण इस राज्य से उस राज्य से जाएगा तो जाहिर सी बात है दूसरे राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ ही जाएगी। बात करते हैं अब अगले पेज की। तो कोरोना से खूब रहे सतर्क, लेकिन इन बीमारियों से ज़्यादा मर रहे हैं लोग। तो कोरोना पर ही सिर्फ ध्यान केंद्रित ना करें, क्योंकि कुछ अन्य बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से लोगों की मौत हो रही है। अगर आप सिर्फ कोरोना के लक्षणों को इस वक्त ध्यान में रख रहे हैं तो आप ये गलत फहमी में रह रहे हैं, क्योंकि आपको दूसरे लक्षण भी देखने होंगे। इसके अलावा और भी बीमारियाँ हैं जो घातक साबित हो सकती हैं। तो बात कर लेंगे इस खबर की। COVID-19 के दौरान जहां देखो इस संक्रमण की बात है या फिर इससे होने वाली मौतों की बात होती है। हम सुबह उठते हैं तो सुबह सबसे पहले कोरोना मीटर देखते हैं और उससे आंकड़ों का पता करते हैं, और दिन भर इस महामारी से जुड़ी खबरों पर नजर गड़ाए रखते हैं। कोरोना के कारण हमारे मन में डर का घर है, लेकिन दुनिया में इससे कहीं ज्यादा और भी संकट है। ऐसे में कोरोना के साथ सतर्क जंग लड़नी चाहिए, इसके साथ जीवन संघर्ष जारी रखना चाहिए। बता दें इससे होने वाली मौतों की संख्या जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा अधिक है, क्योंकि एक शोध के मुताबिक करीब 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें होती हैं। और जिस तरीके से जो आंकड़ा सामने आया है कोरोना के कारण मौतों की संख्या, अगर अन्य देशों की बात की जाए ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर अमेरिका की बात कर ली जाए तो 1 लाख से पार मौत का आंकड़ा जा चुका है, लेकिन भारत में आंकड़ा अभी कंट्रोल है मौत को लेकर। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि कितनी और भी बीमारियां, हृदय संबंधी बीमारियां हो गई, कैंसर हो गया, आत्महत्या हो गया, कुपोषण हो गया, दिमागी बुखार है, डायरिया है, मातृ संबंधी, इस तरीके की कई बीमारियां हैं जिन पर आपको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कोरोना पर सिर्फ ध्यान देना इतना, आप अगर कोरोना की तरफ ही केंद्रित हो जाएंगे तो बाकी की बीमारियों पर जब ध्यान नहीं देंगे तो लापरवाही आपके लिए हानिकारक हो सकती है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 4 की मौत, फिरोजाबाद में यात्रियों पर बरसे डंडे, बुरे हालात। मंगलवार शाम झांसी से गोरखपुर जा रही थी ट्रेन, उसमें 2 की गई जान। तो उस तरीके की जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उनसे भी कहीं ना कहीं कुछ बुरी खबरें सामने आ रही है। 4 श्रमिकों की ट्रेन में मौत हो गई और साथ ही साथ फिरोजाबाद में यात्रियों पर डंडे भी बरसाए गए। बात कर लेते हैं अब अगले फेज की।
अगले पेज से जब हम बात करेंगे तो बात कर ले पहले टिड्डियों को लेकर बात करें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से टिड्डियों का आतंक कुछ ज़्यादा भारत में फैल चुका है। टिड्डी दल से किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर हरियाणा हो, हर जगह टिड्डी दल का आतंक देखने को मिला है। तो बड़ी मुसीबत है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में समस्या का सबब फसलों को पल भर में ऐसे चट कर जाती हैं टिड्डियाँ। तो जिस तरीके से ये टिड्डी दल फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि टिड्डी दल जहां पर दिखाई भी दे तो उसको लेकर तुरंत एक्शन भी लिए जा रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए तमाम तरीके की प्लानिंग्स की जा रही है, लेकिन क्या इस तरीके से मुसीबत खत्म हो पाएगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में ये टिड्डी दल पहुँच चुके हैं। रोजी रोटी के संकट के साथ घर में अनदेखी का भी सामना कर रहे हैं। कई लोग जो कमाते थे तो पैसे भेजते थे, आज उन्हें ज़रूरत है तो कर दिया बेगाना। तो इस तरीके से कई तस्वीरें सामने आई हैं कि जो रोजी रोटी कमाते थे और अपने घर पर भी पैसा भेजते थे, लेकिन आज के समय में वो ना कमा पा रहे हैं ना अपने घर पर कुछ दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को अपनों की भी नाराज़गी झेलनी पड़ रही है कहीं ना कहीं। सबसे बुरे दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था, अब अगर बिजनेस पेज की बात कर ली जाए तो यहाँ पर अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर लें तो क्रिसल की रिपोर्ट के अनुसार आज़ादी के बाद चौथी बार मंदी की स्थिति में जाता दिख रहा है देश। तो ये चौथी बार होगा जब देश मंदी की स्थिति में जाता हुआ दिख रहा है। 5% की दर से सिकुड़ सकती है इकोनॉमी, एक चिंता जो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जताई जा रही है। कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष अभूतपूर्व संकट को एकदम डुबा सा दिया है। भारतीय इकोनॉमी इस आज़ादी के बाद भारत की इकोनॉमी समय आज़ादी के बाद चौथी बार मंदी की स्थिति में जाती दिख रही है। अब तक ये सबसे भयावह स्थिति है। हालांकि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार कोशिशें ज़रूर कर रही है, लेकिन जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी बुरी स्थिति में आ चुकी है। चौथी बार ऐसा है, आज़ादी के बाद चौथी बार ऐसा हुआ है कि भारत की अर्थव्यवस्था एकदम डगमगा सी गई है, सिकुड़ सी गई है। इसको संभालने के लिए सरकार क्या नीतियां बनाती है, किस तरीके से वापस से अर्थव्यवस्था में जान डालती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इसी के साथ अब गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ABC स्टार न्यूज़।